और अभी हम जा रहे हैं नीचे पानी की तरफ। ये देखिए ये पानी है, यहाँ से मैं जब छोटा था तो यहाँ से मैं पानी हम निकल पड़े हैं यहाँ पे। ये भद्रवाह का और थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे और देखिए आपको नज़ारा और दिखाएंगे। हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। ये देखो खेत को भी खेत तो नहीं लगे हैं पर लोग लगाने। ये देखिए मंदिर के आगे हैं हम और ये मंदिर के आगे पहुँच चुके हैं। ये देखिए गुप्त गंगा मंदिर आपको पीछे से दिख रहा है, ये गुप्त गंगा का मंदिर है। यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है और इसके साथ ही पीछे गुप्त गंगा का मंदिर है। मोटरसाइकिल दोस्तों देखिए यहाँ पे गुप्त गंगा का मंदिर है। मंदिर के पुल पे पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे ये देखिए गुप्त गंगा का मंदिर है वहाँ पे। और यहाँ से लोग देखो कहाँ लकड़ियाँ वगैरह लेते जा रहे हैं और यहाँ पे देखो मेटाडोर ये भी जा रही है और इसके साथ साथ ये पुल है और पुल के किनारे मंदिर भी है। मेरे पीछे ये गुप्त गंगा मंदिर है और नीचे यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे ये बना हुआ है तो यहाँ पे लोग नहाते हैं। हम भी जाएंगे कुछ गर्मियों में, अभी सर्दी का मौसम और चंदर का भी व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अब हम भी और आगे निकलते हैं, भद्रवाह का व्यू अभी और दिखाएंगे आपको। दिख रहा है देखो पार भद्रवाह का व्यू दिख रहा है और आगे और हम जाएंगे यहाँ से। रास्ते में ही है, रोड के साइड में चल रहे हैं हम और अभी आगे और जाना है हमें। दिखाते हैं आपको भद्रवाह का व्यू, तो बने रहिए हमारे साथ। ये भी जा रहा है हमारे साथ, थक गया ये नहीं और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। सामने पुल दिख रहा है और पुल के पार अभी हमें और जाना है आगे, वहाँ से पूरा दिखाएंगे आपको। अभी हम पहुँच गए हैं और ये देखिए दूर यहाँ से भद्रवाह का थोड़ा सा व्यू आ रहा है। अभी यहाँ से आगे जाके और पूरा व्यू आएगा भद्रवाह का। तो 1 किलोमीटर चलते आ चुके हैं, ये पूरा हमने एरिया पूरा क्रॉस किया हुआ यहाँ से और 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं आगे। हम 1 किलोमीटर और आगे जाना, आज भी थक चुका है, नहीं थका बोल रहा तो नहीं है बट ये थक चुका है। यहाँ से मेरे साथ चलते चलते 1 किलोमीटर तो आ चुके हैं, अभी 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे। देखिये पीछे कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे और रोड कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ये भद्रवाह का एक साइड है, नीरू नाले के किनारे ये बसा हुआ है और अभी धूप की डायरेक्शन इस तरफ है तो तभी पूरा साफ नहीं दिख रहा है। देखिए जी पहुंच गए हैं हम यहाँ पे भद्रवाह के साइड पे, पैदल ही पहुँचे हैं। काफ़ी हमने ट्रैवल किया, गाड़ी से तो नहीं आए पैदल ही आए हैं। और ये देखें हमारे पीछे ये भद्रवाह का नज़ारा दिख रहा है पूरा वैली का। अभी आगे जाके और मैं थोड़ा सा इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और धूप भी इस तरफ है। रोड से चले हुए थे हम और दोनों आए हैं हम, कैमरा पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है, तो चलते हैं आगे और वीडियो भी ऐसे बनाते हैं आपके लिए, अच्छी अच्छी वीडियो ले आएँगे हम। और दोस्तों हम बकरियां भी आ रही हैं कुछ यहाँ पे दूर हैं और बकरियां भी यहाँ पे दिख रही हैं मेरे को, 2-4 बकरियां हैं तो उनको ये फुहार लोग ला रहे हैं इंद्र के लिए, तो यहाँ पे आती मैं और अच्छे जगह से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेड़ भी कितने अच्छे हैं, पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है चारों तरफ से और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे बस ऐसे ही, मैंने बोला अभी शाम का टाइम हो रहा था। देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा है और अभी हम भद्रवाह के साइड टाउन में यहाँ पे अटालगढ़ कहा जाता है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग देखिए लोग भी कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं, ये बकरियाँ आ रही हैं कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर हैं वाइट वाइट बकरियाँ और बहुत ही अच्छी ब्लैक भी है, बहुत अच्छी बकरियाँ दिख रही हैं ये। वो देखिए कैसी बकरियां हैं आ रही हैं मेरे पास।
ये देखिए गाड़ी से डर रही है, गाड़ी में घोड़ा लिया गाड़ी में घोड़ा गया है। हाँ इधर के लिए आगे जो ये शेड दिख रहा है यहाँ पे जाके थोड़ा सा बस चल रहे हैं आगे रास्ते में, हम रोड में ही हैं बट काफ़ी आगे चले आ चुके हैं, 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं हम, रोड से ही चलते चलते 2 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं हम। मोर रहे तो गाइस आ गए हैं हम अपनी मंजिल पे और देखो पीछे भदुआ का व्यू, अभी पूरा नहीं दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत व्यू है, मस्त वैली पूरी दिख रही है यहाँ से। क्या किया है तो आगे और भी शर्ट हैं बट वहाँ पे जा नहीं पाएंगे हम क्योंकि आगे जाएंगे। नहीं नहीं आगे नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ तक काफ़ी। बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सर? बस माल के साथ बैठे हैं सर। हैं माल के साथ है। कहाँ पे माल है? हमारे ऊपर। अच्छा जी जी जी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। कितने भेड़ हैं सर आप? कोई 50-60। अच्छा अच्छा आप यहीं के हो? जी जी। ये अटालगढ़ के या? नहीं नहीं रेंडा के। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। और सब मज़े में? बहुत अच्छा है भदुरा सर। यहाँ पे बर्फ़ कितनी पड़ी सर यहाँ पे आज? बर्फ तो कम से कम कोई 4-5 फुट पड़ी थी पहले। अच्छा तो नहीं है कोई बर्फ। और गाइज और दोस्तों देखिए मेरे पीछे ये भदुरा का व्यू है पूरा, आप देख सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ से धूप इस तरफ के लिए आ रही है तो तभी यह पूरा दिख रहा नहीं है भदुरा, नहीं तो काफ़ी अच्छा। अगर मॉर्निंग में धूप डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती है, अभी शाम का समय है तो धूप बिल्कुल इस तरफ के लिए है तो तभी साफ़ नहीं आ रहा, बट मेरे पीछे देखिए आप कितना अच्छा, पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं, ये देखो बर्फ़ जो ऊपर दिख रहा है इस तरफ यहाँ पे लगभग से लगभग 20-30 फुट होगी। नहीं अभी तो कम ही होगी, पहाड़े यहाँ पे बर्फ़ से पूरे ढके हुए हैं, इसके पीछे और पहाड़ हैं जो पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, बादल भी छाए हुए हैं बट धूप बहुत अच्छी है इस तरफ के लिए आ रही है धूप, तो इस वजह से ये पूरा जो वैली है ना वो दिख रही नहीं है। और व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है हमारे यहाँ भदुरा, और आगे जाके थोड़ा सा और कैप्चर करते हैं। मैं तो उधरी जैसे रुकना चाहूँगी। और ये देखिए मेरे पीछे देखिए बर्फ़ का काफ़ी ढका हुआ है और ऊपर भी मेरे देखिए ऊपर आपको कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ऊपर भदुरा के, थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे हैं थोड़ा वो करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे व्यू देखो कितना अच्छा है, गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, उतने जा रही है हमारा और चल रहे हैं हम आगे की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए ये भी मौज अभी तक थका नहीं है, 2 किलोमीटर चल के अभी और आगे चल रहे हैं। दोस्तों देखो हम आगे पहुँच चुके हैं भदुरा से, कुछ 2 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं यहाँ से साइड वाइज, यहाँ पे चिंता रोड में हम पहुँच चुके हैं
तो अभी अटालगढ़ के थोड़ा से 2 किलोमीटर और आगे हैं भद्रवाह में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे हम इंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए थे एक दो बंदा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आगे। और देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है, और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि इस तरफ वो दिखा दे, थोड़ा उठ के दिखाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये थक चुका है, और ये देखिए पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। चिंता भद्रवाह से बाहर है मगर चिंता भद्रवाह के ही अंदर है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा भद्रवाह है, हरियाली हरियाली। ओह मजा आ रहा है यहाँ पे बैठकर, और बर्फ का देखो नजारा कितना, और देखिए बर्फ का कितना अच्छा नजारा दिख रहा है मेरे पीछे, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भद्रवाह के बहुत सारे घर हैं और सबों को टीन लगी हुई है क्योंकि बर्फ यहाँ पे हर साल पड़ती है विंटर्स में। तो मैं बहुत देर के बाद यहाँ पे आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब फिर से वापस जा रहा हूँ मैं, बट कुछ दिन यहाँ पे था तो आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं भद्रवाह का अच्छा अच्छा व्यू। वापस जा रहे हैं, अपने यहीं तक आए थे हुए थे, और यहाँ पे देखिए मेरे ऊपर बहुत भेड़े भी हैं, और हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो हम निकल चुके हैं अभी वापस, और ये भी मेरे साथ है, अब चलेंगे आगे। और अब खुश हो रहा है घर के लिए जा रहे हैं हम, तो ये खुश हो रहा है। हमारे ऊपर कितना अच्छा अच्छा पेड़ लगे हुए हैं सड़क के किनारे, और हिली एरिया है ये पूरा, पीछे पूरा हिली एरिया दिख रहा है आपको, कितनी बड़ी बड़ी हैं इस रास्ते में। अभी भी पहाड़ों में बर्फ है, और अभी हम यहाँ पे नीचे से हैं, नीचे तो कोई बर्फ, देखिए अभी हम 1 किलोमीटर दूर हैं। कहाँ गया वो, देखो नीचे पेड़ के साथ वो, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये भी चल रहे हैं, इसको क्या बोलते क्या, नेवला है शायद, बहुत नीचे चले गए ये, वो देखिए नीचे चले गए वहाँ पे, ये रास्ते में हमें मिल गया नेवला। नेवले वगैरह भी चलते रहते हैं, और हाँ छिपकली को खा लेता है, और यहाँ पे तो शेर वगैरह भी चलते हैं सर्दियों में, तो इन रास्तों में 5 बजे के बाद चलना नहीं बनता है क्योंकि शेर तो नहीं, बाघ चलते हैं यहाँ पे, टाइगर वगैरह चलते हैं, और जो दूसरे जानवर होते हैं बैल बकरे नहीं, जंगली जानवर जो भी होते हैं वो इन रास्तों पर हमें दिखने को मिलते हैं, और मोस्टली जो जंगली मुर्गा होता है
तो वो हमें यहाँ पे मिलता है और लोग उसका शिकार भी करते हैं। ये सड़क के ऊपर थोड़ा पहाड़ों पे भी लोग बसे हुए हैं और काफ़ी अच्छा दिखता है ये व्यू यहाँ से। अभी शाम ढलने का टाइम और ये देखिए यहाँ पे शाम काम भी चला हुआ है सड़क के किनारे और हम चल रहे हैं आगे और यहाँ पे हमारे पीछे काम भी लगा हुआ है और ये ज़बरदस्त काम लगा हुआ है, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और हम चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर के लिए और मेरे भैया आपको व्यू दिख रहा है। अभी धूप थोड़ी ख़त्म हो चुकी है तो अभी थोड़ा सा फिर भी अच्छा व्यू आ रहा है, बट हम यहाँ आगे आ चुके हैं तो अभी थोड़ा सा शेड में हम आराम कर रहे थे यहाँ पे, तो अभी निकल चुके हैं आगे की तरफ और आप देखेंगे। बस इतना था वीडियो आज का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका साथ। ये नज़ारा बहुत अच्छा है, थक भी चुके हैं क्योंकि 5-6 किलोमीटर हम चल के आ रहे हैं अभी और अब वापस। कितना अच्छा है यहाँ से, कैसे अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। देखिए मंदिर का कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है, ये हमारे पीछे कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है और घर भी यहाँ पर बने हुए हैं।